हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सोशियोलॉजी विद संगीता में मैं संगीता स्वागत करती हूं। और इस चैनल के माध्यम से हम लोग सोशियोलॉजी के कम्पिटिटिव एग्जाम के प्रिपरेशन करते हैं। अब कुछ चैनल में डेली दो क्लासेस मिलती हैं, जिसमें कि मॉर्निंग के 8 बजे की क्लास में हम लोग कवर कर रहे हैं BPSC 4.0 के सोशियोलॉजी के PGD लेवल के क्वेश्चंस को, उसके पूरे सिलेबस को कवर करवाया जा रहा है। और रात के 8 बजे UP PGD के सोशियोलॉजी को कवर करवाया जा रहा है। वैसे स्टूडेंट्स जो पेड ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं, एक सिस्टमेटिक वे में सोशियोलॉजी की तैयारी करना चाहते हैं, तो जो कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है आप उसमें कॉन्टैक्ट करके नोट्स को परचेज कर सकते हैं। आपका जो नोट्स है वो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है। अगर मैं बात करूँ बिहार का BPSC 4.0 में जो आपको नोट्स बनाए गए हैं, वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को देखते हुए आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, साथ ही साथ MCQ आपको प्रोवाइड किया जाएगा, और NCERT और SCERT का मेल से उसके जितने भी आपको चैप्टर वाइज है, अभी तो हम लोग NCERT को चैप्टर वाइज कवर कर रहे हैं, सारा ही उसमें किया गया है। और UP PGT में भी आपको कंप्लीट आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग नोट्स रहेगा, साथ ही साथ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। आज का जो हमारा क्लास है ये क्लास 2 है UP PGT का। प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप लोग प्लेलिस्ट जाके चेकआउट कर सकते हैं। उसमें हम लोग फर्स्ट क्लास में देखे थे कि समाज शास्त्र की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई थी, इसके विकास के विभिन्न चरण कौन से। आप लोगों ने अगर पहले क्लास को देखा होगा, अगर नहीं देखे तो आप लोग उसे जाकर जरूर एक बार देखिए। और अगर आप लोगों ने देखा है तो मुझे कमेंट करके बताइए कि समाज शास्त्र के विकास के जो विभिन्न चरण हैं, 4 चरणों की जो बात की गई है, किनके द्वारा, उन थिंकर्स का नाम मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। और आज का जो हमारा क्लास है इसमें हम लोग समाजशास्त्र का क्षेत्र और इस एक विषय के रूप में ये किस प्रकार से इसकी शुरुआत हुई है, और साथ ही साथ भारत में कैसे विषय के रूप में शुरुआत हुई, उन सभी को हम लोग देखेंगे। ठीक है, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, सोशियोलॉजी पढ़ रहे हैं, जिसको कि क्या बोला जाता है, समाजशास्त्र। तो प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने देखा कि जॉन स्टुअर्ट मिल साहब ने बोला था कि समाजशास्त्र जो है ये 2 भाषाओं की अवैध संतान है। ऐसा उन्होंने क्यों बोला, क्योंकि सोशियोलॉजी जो है ये 2 शब्दों के मेल से बना है। 2 शब्द कौन कौन से होंगे आपके, सोशियस प्लस लोगस। सोशियस जो है ये लैटिन भाषा का शब्द है, और लोगस जो है ये ग्रीक भाषा का शब्द है। सोशियस का मतलब हो गया समाज, और लोगस का मतलब हो गया शास्त्र, यानी समाज का शास्त्री, समाज का विज्ञान, यानी समाज का हम किस प्रकार से अध्ययन कर रहे हैं, तो वैज्ञानिक तौर पर अध्ययन कर रहे हैं। इसलिए जॉन स्टुअर्ट मिल कौन, इन्होंने बोला था ना, तो इन्होंने बोला कि समाजशास्त्र के स्थान पे, समाजशास्त्र शब्द के स्थान पे हमको किस शब्द का प्रयोग करना चाहिए, तो इथोलॉजी शब्द का हमको प्रयोग करना चाहिए। ऐसा किसने बताया था, तो जॉन स्टुअर्ट मिल साहब ने बताया था। ये क्वेश्चन भी आपको पूछता है एग्जाम में कि इथोलॉजी शब्द का प्रयोग करने की बात किसने की थी, तो जॉन स्टुअर्ट मिल साहब ने इसका प्रयोग करने की बात की थी, क्योंकि समाजशास्त्र जो है वो 2 भाषाओं की अवैध संतान है। तो इतना तक तो आप लोगों ने इसको समझ लिया। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं कि समाजशास्त्र का क्षेत्र क्या है, एक विषय के रूप में इसकी शुरुआत कैसे हुई है। ठीक है, तो समाजशास्त्र के प्रतिष्ठात्मक जनक के रूप में भी हम लोगों ने देखा था। अगर मैं बात करूँ समाजशास्त्र का एक विषय के रूप में शुरुआत करने की बात, तो सर्वप्रथम समाजशास्त्र का जो अध्ययन अध्यापन है वो कहाँ पे किया गया था, येल विश्वविद्यालय में। कहाँ पे, तो येल विश्वविद्यालय में इसका अध्ययन अध्यापन जो है ये स्टार्ट किया गया। येल विश्वविद्यालय कहाँ पे है, तो ये अमेरिका में, कहाँ पे है, अमेरिका में। यहाँ पे 1876 में समाजशास्त्र का अध्ययन एवं अध्यापन प्रारंभ किया गया। येल विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र के अध्यापन की शुरुआत करने का जो प्रथम श्रेय है वो किनको जाता है, तो विलियम ग्राम समनर जी को जाता है। किनको जाता है, विलियम ग्राम समनर जी को जाता है, जिनकी जो प्रसिद्ध पुस्तक है वो क्या है, फोकवेज, ये इनकी प्रसिद्ध पुस्तक है। ठीक है, फोकवेज के लिए कौन जाने जाते हैं, तो विलियम ग्राम समनर जी जाने जाते हैं।
उसके बाद समाजशास्त्र का तो पहले एक मतलब कंबाइंड सब्जेक्ट के रूप में देखा गया था, अलग से इसका विभाग नहीं बना था, लेकिन इसका अलग से जो डिपार्टमेंट है यानी सोशियोलॉजी का जो डिपार्टमेंट है वो सर्वप्रथम कहाँ पे बना था, तो वो आपका बना था शिकागो विश्वविद्यालय में। ये सब इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। अलग से डिपार्टमेंट कहाँ पे बना, तो शिकागो विश्वविद्यालय में अलग से समाजशास्त्र का डिपार्टमेंट बना। कब बना, शिकागो विश्वविद्यालय भी कहाँ पे है, तो अमेरिका में है। कब बना, तो 1892 में बना, 1876 में इसका अध्ययन अध्यापन स्टार्ट हो गया था और अलग से विभाग इसका 1892 में बना। समाजशास्त्र की प्रथम पत्रिका जो है अमेरिकन जर्नल, प्रथम पत्रिका अगर क्वेश्चन पूछेगा समाजशास्त्र की प्रथम पत्रिका कौन सी है, अमेरिकन जर्नल ऑफ सोशियोलॉजी, क्या नाम है, अमेरिकन जर्नल ऑफ सोशियोलॉजी, ये प्रथम पत्रिका है किसकी, तो समाजशास्त्र की है। इसका प्रकाशन कब हुआ था, तो 1892 में इसका प्रकाशन किया गया था। अमेरिकी समाजशास्त्री परिषद की स्थापना कब हुई, अमेरिकी समाजशास्त्री परिषद की स्थापना 1905 में कब हुआ, तो आपका 1905 में हुआ। फ्रांस में समाजशास्त्र की जो अध्ययन की शुरुआत है वो 1889 में हुई, और उस समय कौन थे, तो दुर्खिम थे, टॉडे थे, लिपले थे, ये सब भी महोदय थे। फिर मिस इंग्लैंड में आपका जीएस मिल जी जो होते हैं वो इंग्लैंड के रहते हैं, उन्होंने इसके संदर्भ में बात की कि इथोलॉजी शब्द का प्रयोग करना चाहिए। फिर मिस्र में 1924 में हुआ, स्वीडन में 1947 में हुआ। तो इस तरह से ये जो समाजशास्त्र है ये अमेरिका से होते हुए अब क्या हुआ, अब भारत में प्रवेश करता है। तो भारत में कब प्रवेश करता है उसको हम लोग देखते हैं। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे कि भारत में समाजशास्त्र का विकास, आप लोग नोट्स बना सकते हैं या फिर जब आप पेड ग्रुप से जुड़िएगा तो इसका तो कंप्लीट नोट्स मैं आपको दूंगी। भारत में समाजशास्त्र, इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, का विकास बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ये आपका वेरी इंपॉर्टेंट, आप इसको करके साइड में लिख सकते हैं। तो भारत में समाजशास्त्र का अगर विकास की बात की जाए तो 1914 से लेकर 1947 तक का जो समय था वो समाजशास्त्र का औपचारिक प्रतिस्थापन का युग के रूप में इसको जाना जाता है। सर्वप्रथम समाजशास्त्र का विकास 1914 में बॉम्बे यूनिवर्सिटी, कहाँ पे, तो बॉम्बे यूनिवर्सिटी में इकोनॉमिक्स के साथ इसका अध्ययन स्नातक स्तर पर स्टार्ट हो गया। कब, तो 1914 में। 1919 में ब्रिटिश समाजशास्त्री पैट्रिक गिडिस की अध्यक्षता में समाजशास्त्र के लिए अलग विभाग की स्थापना की गई। 1914 में इकोनॉमिक सब्जेक्ट के साथ इसको पहले पढ़ाया गया, ठीक है, अलग से इसका विभाग नहीं बना था, लेकिन 1919 में पैट्रिक गिडिक्स की अध्यक्षता में एक अलग समाजशास्त्र की विभाग बना। इस समय एक अलग विभाग बना। पैट्रिक गिडिक्स को क्या बोला जाता है, भारत में समाजशास्त्र के जनक के रूप में जाना जाता है, ये भी इम्पॉर्टेंट है, आप लोग नोट कर लीजिए। भारत में समाजशास्त्र के जनक कौन है अगर पूछेगा तो वो कौन हो जाएंगे, पैट्रिक गिडिक्स। भारत में समाजशास्त्र के जनक, अगर आपको यहां पे एक क्वेश्चन पूछ दे कि भारतीय समाजशास्त्र के जनक कौन है, हम लोग तो ऐसे अगस्त कोम्ट को जानते हैं कि वो समाजशास्त्र के जनक है, लेकिन भारतीय समाजशास्त्र के जनक कौन है, तो जीएस घुड़िये हो जाएगा। लेकिन भारत में समाजशास्त्र के जनक कौन है, तो फिर पैट्रिक गिडिक्स हो जाएंगे। ये चीज का याद रखिएगा, 1919 में बॉम्बे विश्वविद्यालय में एक अलग विभाग की स्थापना की गई। उसके बाद 1917 में
कलकत्ता विश्वविद्यालय में, कहाँ पे 1919 में वहाँ पे किया गया था, 1919 में कलकत्ता विश्वविद्यालय में, कलकत्ता जो यूनिवर्सिटी था वहाँ पे प्रोफेसर ब्रजेंद्रनाथ सिल के प्रयत्न से अर्थशास्त्र के साथ समाजशास्त्र का अध्ययन स्टार्ट कर दिया गया। 1921 में लखनऊ विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र का अध्ययन कार्य शुरू किया गया एक अलग विभाग के रूप में। यहाँ पे ब्रजेंद्रनाथ सिल हो जाएंगे, इन्होंने प्रयत्न किया। और 1921 में लखनऊ विश्वविद्यालय में, लखनऊ जो यूनिवर्सिटी था इसमें किनके प्रयत्न से, तो राधा कमल मुखर्जी के प्रयत्न से, कितने किनके प्रयत्न से, तो डॉक्टर राधा कमल मुखर्जी के समाजशास्त्र के अलग विभाग की स्थापना की गई। फिर 1923 में मैसूर और आंध्र प्रदेश में, 1923 में मैसूर और आंध्र प्रदेश में, 1924 में जीएस घुड़िया जो भारतीय समाजशास्त्र के जनक थे वो प्रथम भारतीय आचार्य बनते हैं, ठीक है, जो कि पैट्रिक गिडिस के शिष्य थे। किसके शिष्य थे, तो घुड़िया जो थे उनके गुरु का नाम क्या था, पैट्रिक गिडिस था। फिर 1939 में पूना विश्वविद्यालय, कहाँ पे, तो जो पूना विश्वविद्यालय था वहाँ पे समाजशास्त्र का अलग विभाग बना और इसकी अध्यक्षता किसने की थी, पूना यूनिवर्सिटी में। और इसकी जो अध्यक्षता थी वो इरावती कड़वे जी की थी, जिनको की नातेदारी किनसिप के लिए जाना जाता है। किसके लिए जाना जाता है, किनसिप के लिए जाना जाता है, जिसको हम लोग आगे के क्लास में पढ़ेंगे। तो इस प्रकार से समाजशास्त्र का अमेरिका से होते हुए, शिकागो से होते हुए भारत में प्रवेश होता है और इसका अध्ययन अध्यापन स्टार्ट होता है। तो आई होप आप लोगों को आज की क्लास अच्छी प्रकार से समझ में आ गई होगी। इसी प्रकार से आप लोग चैनल के साथ बने रहिए। नेक्स्ट क्लास में हम लोग समाजशास्त्र के विभिन्न परिभाषाओं को देखेंगे। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्लास आपको कैसे लगी जरूर कमेंट करके बताइए। मेरे चैनल में बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।